नमस्कार। टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में चल रहे मेडिकल हालों में एक और मेडिकल हॉल का नाम जुड़ गया है, जिसका उद्घाटन विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक द्वारा किया गया। वही मेडिकल हॉल के मालिक ने बताया कि हमारे यहाँ मेडिकल हॉल पर 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी तथा सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध रहेंगी। मरीजों के लिए विशेष सुविधा यह है कि बड़ी से बड़ी कंपनी की दवा हमारे मेडिकल पर उपलब्ध है, जिससे हम मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वह इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अखिलेश मिश्रा, गुड्डू सुभाष पांडे, जयप्रकाश पांडे, चेयरमैन सहकारी बैंक के साथ आजमगढ़ के तमाम समस्त नागरिक शामिल रहे। यह देश दवाओं का एक बड़ा बाजार बन रहा है। यहाँ जो मेडिकल स्टोर हैं वह कम से कम छोटे मोटे रोगों की दवाएं दे। अभी भारत की जनसंख्या के अनुपात में मेडिकल स्टोर कम है, डॉक्टर कम है। ऐसी स्थिति में जहाँ एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, आत्मनिर्भर भारत बनने की बात हो रही है, उसमें अगर नौजवान इधर पहलकदमी करता है तो निश्चित तौर पर यह सुखद है। यह मेडिकल स्टोर खुला है राजमणि पांडे जी के नाम पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके सुपुत्र हैं, अच्छा कार्य करेंगे, दवाओं का मेल बना के रखेंगे, कभी किसी ग्राहक को वापस नहीं जाना होगा। आज के इस दिन पे हमारी शुभकामना है कि इस मेडिकल स्टोर के से ही वो खड़े हों, आत्मनिर्भर बने और लोगों की सेवा करें।